नमस्कार दोस्तों, नीति क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करने जा रहे हैं जो अपना टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम, उसी कड़ी को अपन आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं। आज जो अपना चल रहा था डिविजिबिलिटी रूल, इसके अपने नियम लगभग पूरे पढ़ लिए। जो कोई और बच्चा वो अपन क्या क्वेश्चनों के साथ साथ करते चलेंगे। इससे पहले अपन क्या थोड़ी जानकारी और ले लेते हैं जो आगे क्या क्वेश्चन करेंगे उनमें दिक्कतें नहीं आएगी। बात समझ में आ गई? तो देखो इधर देखो, अगर कोई दो अंक की संख्या है, दो अंकों की संख्या कुछ भी ले लो आप, जैसे 63 63, बात समझ में आ गई कि क्या क्या हो गई दो अंकों की संख्या, ये क्या होगी? एक बार रिपीट, दो अंकों की संख्या अगर एक बार रिपीट होती है, बात समझ में आ गई? जैसे क्या है 63 है, ये दोबारा लिख दिया मैंने, तो ये दो अंकों की संख्या क्या हो गई 63, और एक बार रिपीट हो गई, रिपीट होने के बाद में क्या बन गया 63 63, ये किससे विभाजित होगी 101 से, बात समझ में आ गई? ये काफी बार क्या है एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि अगर दो अंकों की संख्या है तो रिपीट होती है, बात समझ में आ गई? दो अंकों की संख्या होनी चाहिए और वो क्या है एक बार रिपीट होनी चाहिए, मतलब है दो अंकों की संख्या एक बार क्या हो जाए उसकी पुनरावृत्ति, तो वो किससे विभाजित होगी, वो 101 से विभाजित होगी, बात समझ में आ गई? तो अपन भाग दे के देख लेते हैं, जैसे कोई भी दो अंकों की संख्या ले लो 201, अपन ने ले ली 20 20, ये क्या हो गई दो अंकों की संख्या हो गई और दोबारा क्या हो गई रिपीट हो गई, तो ये क्या हो जाएगी 101 से विभाजित होगी। तो अपन भाग दे के देख लेते हैं भाई ये बात सत्य है या नहीं, तो ये संख्या क्या हो गई 20 20, इसके अंदर भाग देते हैं 101 का, बात समझ में आ गई क्या 101 का, तो देखो इसका भाग कितनी बार जाता है दो बार जाता है, बात समझ में आ गई क्या? तो ये क्या हो गया 202, बच गया 0, तो इसको क्या ऊपर लेके जाएंगे, बात समझ में आ गई? इसी प्रकार अपन और कोई संख्या लेते हैं, जैसे 63 63, ये संख्या ले ली, अब ये विभाजित होती है क्या देखो 101 से, तो 101 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, बात समझ में आ गई? कितनी बार गया 6 बार, तो ये आ गया 606। अब अपन क्या करते हैं, ये तो आ गया 0, ये आ गया 3 और ये आ गया 3, अब कितनी बार भाग जाएगा 3 बार, तो आ गया 303, शेष क्या बचा 0, बात समझ में आ गई? तो ऐसी कोई भी संख्या हो जो दो अंकों की हो और क्या हो एक बार क्या हो रिपीट हो, बात समझ में आ गई? दो अंकों की कोई भी ऐसी संख्या हो तो एक बार क्या हो रिपीट हो, तो उसके अंदर किसका भाग जाएगा 101 का। चलो मैं लिखवा देता हूं, लिखना देखें आप, चलो तो करो इसको नोट डाउन, कैसे करेंगे? दो अंकों की संख्या जिसकी एक बार पुनरावृत्ति हो, क्या क्या लिखा मैंने, दो अंकों की संख्या जिसकी एक बार क्या पुनरावृत्ति हो, तो उस संख्या में उस संख्या में 101 का भाग जाएगा, बात समझ में आ गई? दो अंकों भागे जाएगा, मैंने क्या लिखा दो अंकों की कोई भी संख्या हो जो क्या हो एक बार रिपीट हो, बात समझ में आ गई? दो अंकों की कोई भी ऐसी संख्या हो जो क्या हो एक बार रिपीट हो, तो उस संख्या के अंदर क्या हमेशा 101 का भागे जाएगा, बात समझ में आ गई होगी? ऐसे उदाहरण अपन ने कर दिए, चलो और भी लिख के देख लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ 321 321 नहीं 32 32 लिख लेते हैं, ये क्या हो गई दो अंकों की संख्या हो गई और ये क्या हो गई एक बार पुनरावृत्ति हो गई, तो इसके अंदर किसका भाग जाएगा 101 का, तो अपन भाग लेके देख लेते हैं 32 32, इसके अंदर मैं भाग लेता हूँ 101 का, तो देखो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, तो ये क्या आ गया 303, इधर क्या आ गया 0 आ गया, ये कितने बच गए 2, और फिर अपन ने क्या बना लिया 2, तो कितनी बार भाग जाएगा 2 बार, तो ये क्या हो गया 202, शेष पर क्या बचा 0, तो इसमें देखो पूरा पूरा भाग गया रहा, बात समझ में आ गई? ये नियम क्या बोलता है, अगर आपके पास दो अंकों की संख्या हो और वो क्या हो उसकी एक बार पुनरावृत्ति हो, उसकी क्या हो एक बार पुनरावृत्ति हो, तो उस संख्या के अंदर क्या जाएगा 101 का भाग है हमेशा जाएगा, तो ये आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं, सीधा सीधा आपको ये देखना है कि दो अंकों की संख्या हो और जिस वह क्या हो एक बार रिपीट हो, तो उसके अंदर किसका 101 का भाग जाएगा हमेशा। चलो तो करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं अपन।
हाँ भाई देखो अगला नियम क्या है कि कोई दो अंकों की संख्या है, जैसे ये संख्या है इसकी क्या हो दो बार पुनरावृत्ति हो, इसकी क्या हो दो बार पुनरावृत्ति हो, तो ये किससे विभाजित होगी। बात समझ में आ गई क्या क्या बोल रहा हूं मैं, कि कोई दो अंकों की संख्या हो और जिसकी क्या हो दो बार पुनरावृत्ति हो, मतलब क्या हो गया ये कोई दो अंकों की संख्या है एक बार रिपीट हो गई और दोबारा रिपीट हो गई। बात समझ में आ गई। तो इसके अंदर किसका भाग जाएगा, तीन का जाएगा, सात का जाएगा, 13 का जाएगा और 36 का जाएगा। किस किस का भाग जाएगा, 3 का, 7 का और 13 का क्या जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। कोई भी संख्या हो जो क्या हो दो अंकों की संख्या हो और दो बार क्या हो रिपीट हो। बात समझ में आ गई। जैसे अपन कुछ भी ले लेते हैं, ये संख्या ले ली तो इसके अंदर क्या, ये तो हो गई एक दो अंकों की एक संख्या और ये क्या हो गई दो बार रिपीट हो गई। बात समझ में आ गई। ये क्या हो गई एक संख्या हो गई और ये क्या हो गई दो बार रिपीट हो गई। तो इसके अंदर किस चीज का भाग जाएगा, इसके अंदर 3 का भाग जाएगा, इसके अंदर 7 का भाग जाएगा, इसके अंदर 13 का भाग जाएगा और इसके अंदर 37 का भाग जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। क्या बता रहा हूं मैं कि ऐसी संख्या दो अंकों की ऐसी संख्या वो दो बार क्या हो रिपीट हो, तो उसके अंदर 3 का, 7 का, 13 का और 37 का भाग जाएगा। बात समझ में आ गई। तो अपन क्या चेक करके देखेंगे ऐसी संख्या को, क्या बताए दो अंक की संख्या है और वो क्या हो दो बार रिपीट होती है। बात समझ में आ गई क्या। अगर आपके पास क्या हो दो अंक की संख्या हो और दो बार उसकी क्या हो पुनरावृत्ति हो, ये दो अंकों की संख्या आपके पास क्या है 37, ये क्या दो बार क्या हो गई रिपीट हो गई, तो इस संख्या के अंदर किसका भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 7 का, 13 का और 37 का। तो अपन ने क्या किया, जैसे ये दो अंकों की संख्या ले ली और इसको क्या कर दिया दो बार रिपीट कर दिया। कोई भी ऐसी संख्या आ जाए तो इसके अंदर आपको क्या देखने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा किसका भाग जाएगा, 3 का जाएगा, 7 का, 13 का और 37 का। तो ऐसी संख्या आ जाए, एक बार दोबारा सुनो ध्यान से क्या बता रहा हूँ, दो अंक की संख्या हो और क्या हो दो बार रिपीट हो, तो उसमें किसका भाग जाएगा, इसके अंदर ये चार संख्या है इनका क्या है पूरा पूरा भाग जाएगा, इससे क्या होगी ये डिवाइड होगी। बात समझ में आ गई। चलो तो अपन आगे बढ़ते हैं। ये लिख लिया होगा आपने रूल, चलो नोट डाउन कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार दोबारा देखो, जैसे आपको कुछ भी संख्या दे दे दो अंकों की, जैसे ये क्या है 6565, ये आ गया तीन बार, क्या ये संख्या आ गई तीन बार, छह में आ गई, इसमें क्या है जैसे ये संख्या है 65। बात समझ में आ गई। और ये हो गई दो बार रिपीट हो गई, तो इस संख्या के अंदर किसका भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 7 का जाएगा, 13 का जाएगा और 37 का जाएगा। इस पे बेस के अपन क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं उन पर अपन क्या कल चर्चा करेंगे। तो ये बात समझ में आ गई होगी, इसको नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ तो चलो भाई अगला नियम देखते हैं अपन। अपन क्या देखेंगे, अपने पास जैसे तीन अंकों की संख्या, बात समझ में आ गई क्या, ये तीन अंकों की संख्या ये क्या एक बार रिपीट हो गई, जैसी ये संख्या तीन अंकों की ऐसी सेम संख्या आगे आ जाए तो ये किससे डिवाइड होगी। आपको ऐसी संख्या मिल जाए जैसे तीन अंकों की संख्या 375 और सेम ऐसी संख्या आगे मिल जाए। बात समझ में आ गई क्या, तीन अंकों की संख्या हो और एक बार क्या हो रिपीट हो, तीन अंकों की संख्या हो और एक बार क्या हो रिपीट। बात समझ में आ गई। तो ऐसी संख्या किससे डिवाइड होगी, 7 से होगी, 11 से, 13 से और 1001 से। बात समझ में आ गई क्या, मैं क्या बता रहा हूँ, अपने पास तीन अंकों की कोई भी संख्या हो और वो क्या हो एक बार रिपीट हो, तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी, 7 से होगी, 11 से और 13 से और 1001 से। तो आपको कहीं कुछ देखने की जरूरत है नहीं, ऐसी संख्या मिले तो सीधी सीधी इनसे क्या होगी डिवाइड। जैसे और संख्या एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, जैसे ये संख्या 337, ये क्या एक बार और रिपीट हो जाए दोबारा आ जाए 637। तो ये संख्या अगर आपको पूछे क्या 7 से डिवाइड होगी, क्या 7 से भी होगी, 11 से भी क्या होगी डिवाइड होगी, 13 से भी होगी और ये क्या होगी 1001 से। बात समझ में आ गई। दोबारा देखो मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना कि तीन अंकों की संख्या हो और वो क्या हो एक बार रिपीट हो, तो वो संख्या किस किस से डिवाइड होगी। अगर एग्जाम में आ जाए ऑप्शन मिले आपको, इनमें से कोई भी ऑप्शन मिल जाए, जैसे आप 7 मिल जाए, 11 मिल जाए, 13 मिल जाए या 1001। बात समझ में आ गई। इनमें से कोई भी संख्या मिल जाए तो इनसे क्या होगी पूरी तरह डिवाइड होगी। तीन अंकों की लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए, तीन अंकों की संख्या होनी चाहिए और एक बार क्या डिवाइड हो जानी चाहिए। देखो और भी देखते हैं अपने एग्जाम्पल, जैसे ये संख्या है 935 935, ऐसी संख्या आ गई तो ये क्या हो गई तीन अंकों की संख्या हो गई और एक बार क्या हो गई डिवाइड हो गई, सॉरी डिवाइड नहीं पुनरावृत्ति हो गई, रिपीट हो गई। तीन अंकों की संख्या और एक बार क्या हो गई पुनरावृत्ति हो गई। तो ऐसी संख्या है उसमें आपको कुछ देखने की जरूरत है नहीं, आप सीधा सीधा भाग दो 7 का,
सात का भाग इसमें जाएगा पूरा पूरा, इसके अंदर ग्यारह का भाग जाएगा पूरा पूरा, इसके अंदर तेरह का भाग जाएगा पूरा पूरा, और किसका जाएगा एक हजार एक का भाग जाएगा। तो ये हमारा क्या है नियम हो गया, दूसरा भाग सॉरी तीसरा नियम हो गया। दो नियम अपन ने पहले पढ़ लिए थे, दो अंकों की संख्या क्या होती है दो पर डिवाइड होती है, तो किस किस से लिए अपन ने पहला नियम पढ़ा था, उसके बाद में क्या पढ़ लिया अपन ने, यह पढ़ लिया कि तीन अंकों की संख्या हो और वो क्या हो सिर्फ है उसकी एक बार पुनरावृत्ति हो तो किससे डिवाइड होगी, सात से ग्यारह से तेरह से एक हजार एक से। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन है, उस पर अपन क्या करेंगे चर्चा करेंगे कल। चलो अगला नियम पढ़ते हैं, नोट डाउन कर लो भाई इसको। ये अपना बैच है स्पेशल एसएससी किसका जीडी का बैच है, और ये बैच चलने वाला जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक। तो आप किसी भी एग्जाम की क्या तैयारी कर रहे हो तो आपके क्या मैथ में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको क्या करना साथ साथ में नोट डाउन करते चलना और साथ साथ में क्या इनको रिवाइज करते चलना। अगर आप साथ साथ नहीं पढ़े तो क्या है सभी रोल क्या हो जाएंगे आपके मिक्स हो जाएंगे, फिर याद कुछ नहीं रहेगा। बात समझ में आ गई, तो साथ साथ में नोट डाउन करते चलो भाई। चलो नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो भाई अपना अगला नियम क्या है, जैसे अपने पास क्या कोई भी अंक है और वो क्या है पांच बार क्या है रिपीट हो रहा। बात समझ में आ गई क्या, ये क्या हो गया पांच बार रिपीट हो गया, तो ये किससे डिवाइड होगा। अपने पास कोई भी एक अंक हो जैसे 999 ये हो गया, या फिर ऐसे ले लो 777777 क्या हो गई, छह अंक क्या हो एक समान हो, छह अंक क्या हो एक समान, तो ये किससे डिवाइड होंगे। ये देखो स्पेशल रूल है एक, इस किस में काम आएगा, इस प्रकार की आपको संख्या मिल जाए कुछ भी छह अंकों की, जैसे एट 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 एट, और कितनी बार आना चाहिए छह बार। बात समझ में आ गई, तो ये किन से डिवाइड होंगे, सीधा सीधा आपको कुछ नहीं करना, तीन से भी डिवाइड होगा ये, सात से होगा, ग्यारह से होगा, तेरह से होगा, 101 से होगा और 1001 से होगा। बात समझ में आ गई, ऐसी संख्या हो एक संख्या क्या हो पांच पर रिपीट होती हो, पांच पर क्या होती हो रिपीट, कोई भी ऐसी ऐसा एक अंक हो जो पांच पर क्या हो रिपीट होता हो, उसकी क्या हो पांच पर पुनरावृत्ति हो। कोई भी अंक ले लो आप, जैसे तीन ले लो, तीन 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 तीन, ये तीन कितने पर आ गए छह पर आ गए, तो इसमें किसका भाग जाएगा। अगर आपको ऑप्शन में मिले तीन का भाग भी जाएगा इसके अंदर पूरा पूरा, सात का भाग भी पूरा पूरा जाएगा, ग्यारह का भाग भी इसमें पूरा पूरा जाएगा, तेरह का भी जाएगा, 101 का भी जाएगा और 1001 का भी जाएगा। ऐसी छह अंकों की कोई भी संख्या हो जिसके अंदर क्या हो समान अंक हो। बात समझ में आई, अंक चाहे कोई भी हो जैसे एक एक आ जाए, एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, कोई भी अंक हो जैसे दो 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 आ जाए छह बार, शर्त क्या होनी चाहिए इसके लिए छह बार आनी चाहिए। बात समझ में आ गई, छह बार क्या है एक समान अंक आ रहे हैं तो उसके अंदर किस किस का भाग जाएगा। आपको ऑप्शन में मिले जैसे तीन मिल जाए तीन का भी जाएगा, अगर सात भी पूछे सात का भी जाएगा, इसके अंदर ग्यारह का भाग भी जाएगा, तेरह का भी जाएगा, 101 का भी, 1001 का भी भाग जाएगा। लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए दोबारा देखो, शर्त होनी चाहिए जैसे एक संख्या एक अंक है कोई भी अंक ले लिया वो क्या हो पांच बार रिपीट होना चाहिए। बात समझ में आ गई क्या, तो कुल कितने अंक होने चाहिए उसके अंदर छह अंक होने चाहिए, और अंक कैसे होने चाहिए समान अंक होने चाहिए, तो उसमें भाग किस किस का जाएगा, भाग जाएगा उसके अंदर तीन का भाग जाएगा, सात का जाएगा, ग्यारह का जाएगा, तेरह का, 101 और 1001 का भाग जाएगा। बात समझ में आ गई, तो ये नियम आपके समझ में आ गए होंगे। इस पे आधारित क्या है एसएससी में काफी बार क्वेश्चन आते हैं, और सीधे आपने अगर ये याद कर लिए तो इन्हीं से क्या ऑप्शन मिल जाएंगे, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये क्या नियम आपको याद करने हैं, और साथ साथ में क्या करना है आपको नोट डाउन करते चलना है। चलो तो आगे बढ़ते हैं अपन, नोट डाउन करो भाई इसको। चलो भाई एक बार अपन क्या दोबारा रिपीट कर लेते हैं, जैसे अपने पास क्या दो अंकों की संख्या हो, जैसे अपने पास दो अंकों की संख्या हो, संख्या कौन सी 82 है, तो ये क्या है एक बार रिपीट हो गई, तो इसके अंदर किसका भाग जाएगा 101 का भाग जाएगा। बात समझ में आ गई, एक दो अंकों की संख्या कोई भी हो जैसे अपने पास 32 हो, ये एक बार क्या हो गई रिपीट हो गई, तो इसके अंदर किसका भाग जाएगा 101 का भाग हमेशा जाएगा। भाग देके देख लेना कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको ऐसा ऑप्शन में मिले तो आप क्या करोगे सीधा सीधा टिक लगाना है और आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई, सर क्या होनी चाहिए दो अंकों की संख्या होनी चाहिए प्लस में क्या वो एक बार रिपीट होनी चाहिए, एक बार क्या हो उसकी पुनरावृत्ति। संख्या दो अंकों की कोई भी आ सकती है, जैसे 450 क्या लीजिए 454, इसके अंदर किसका भाग जाएगा 101 का भाग जाएगा 100%। बात समझ में आ गई, ऐसी संख्या मिले तो आपको सीधा टिक लगाना है, ज्यादा
सोचने की जरूरत है ही नहीं, आगे बात कर लेते हैं अपने। जैसे अपने पास ये दो अंकों की संख्या है, तीन अंकों की संख्या ले ली अपने, बात समझ में आ गई। और ये क्या हो रही है, एक बार रिपीट हो रही है, तो इसके अंदर किसका भाग जाएगा, इसके अंदर सात का भाग भी जाएगा पूरा पूरा, ग्यारह का पूरा भाग जाएगा, तेरह का जाएगा और एक हजार एक का भाग जाएगा। बात समझ में आ गई क्या, तीन अंकों की संख्या आप कोई भी ले लो, जैसे ये संख्या ले ली तीन अंकों की और ये क्या हो रही है, एक बार दोबारा रिपीट हो रही है, तो इसके अंदर किसका भाग जाएगा, सात का भाग जाएगा इसके अंदर, इसके अंदर ग्यारह का भाग जाएगा, इसके अंदर तेरह का जाएगा और एक हजार एक का भाग जाएगा। इसी प्रकार अपन आगे बात कर लेते हैं कि अपने पास क्या हो, दो अंकों की संख्या हो और वो क्या हो रहा है, दो बार रिपीट हो रही है, वो क्या हो, दो बार उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो उसके अंदर किस किस का भाग जाएगा, उसके अंदर तीन का भाग भी जाएगा पूरा पूरा, सात का जाएगा, तेरह का और सैंतीस का, इनका क्या पूरा पूरा भाग जाएगा। लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए, शर्त होनी चाहिए कि दो अंकों की संख्या हो और तीन पर क्या हो, वो तीन पर हो। बात समझ में आ गई, एक संख्या मैन और उसके बाद में क्या हो, दो पर वो रिपीट हो, दो बार उसकी क्या हो पुनरावृत्ति, तभी उसके अंदर भाग जाएगा किसका, तीन का, सात का, तेरह का और सैंतीस का। इससे आगे बात करते हैं, अगला नियम अपने क्या पढ़ाता, छह अंकों की कोई भी एक समान संख्या हो, छह अंक हो और अंक क्या हो, सभी समान हो। बात समझ में आ गई क्या, अंक कितने होने चाहिए, छह, और छह क्या होने चाहिए, समान, तो उसके अंदर किस किस का भाग जाएगा, तो इससे बात कर लेते हैं अपने। इसके अंदर तीन का भाग भी जाएगा, इसके अंदर सात का भाग भी जाएगा, इसके अंदर ग्यारह का, तेरह का, 101 का और 1001 का। बात समझ में आ गई, तो ये नियम बताया मैंने, ये काफी बार एग्जाम में आते हैं और सीधे सीधे इससे क्या क्वेश्चन बढ़ते हैं, तो ये नोट डाउन कर लेना, मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको, ये सभी क्या है, मोस्ट है, एग्जाम में आने वाले हैं, तो इनको क्या नोट डाउन कर लेना और इनको याद कर लेना। चलो तो भाई आज के लिए इतना ही, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।